क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीसीसीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया है। देहरादून मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज जारी है। ऋषभ पंत के माथे पर दो कट लगे हैं। दाहिने घुटने के लिगामेंट में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। दाहिने हाथ की कलाई और अंगूठी में भी चोट आई है। ऋषभ पंत के पीठ पर हादसे में रगड़ से चोट लगी है। ऋषभ पंत की हालत बहरहाल स्थिर बताई जा रही है। ऋषभ पंत के परिवार के संपर्क में बीसीसीआई लगातार बना हुआ है। मेडिकल टीम से बीसीसीआई लगातार अपडेट ले रही है। ये बड़ी जानकारी आपको देने एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें कि ऋषभ पंत की क्या स्थिति है इस वक्त उसके बारे में जानकारी दी गई है। दाहिने घुटने में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, दो कट माथे पर लगे हैं, दाहिने हाथ की कलाई और अंगूठे में भी चोट आई है। इसके अलावा पीठ पर भी हादसे में रगड़ से चोट लगी है। हालत बहरहाल स्थिर बताई जा रही है। ऋषभ पंत के परिवार के संपर्क में बीसीसीआई लगातार बनी हुई है। मेडिकल टीम से भी लगातार अपडेट लिया जा रहा है। आपको बता दें, आज सुबह 5:21 पर बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर से अचानक से टकरा गई और आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि ऋषभ पंत वहां से समय रहते उनको निकाल दिया गया। पहले रुड़की ले जाया गया, उनको शुरुआती इलाज दिया गया और फिर देहरादून के मैक्स अस्पताल में बहरहाल वो भर्ती है। का एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली से अपने घर रुड़की आते वक्त हाईवे पर ऋषभ पंत की गाड़ी पलट गई और काफ़ी उनको चोटें आई हैं। इस वक्त वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको सुबह 9:30 करीब मैक्स हॉस्पिटल में यहां भर्ती कराया गया था और जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टरों की एक टीम है वो उनका चेकअप कर रही है। सभी जो शुरुआती जाँच की प्रक्रियाएँ हैं वो कम्प्लीट लगभग कर दी गई हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें MRI हो चुका है, CT स्कैन हो चुका है, जो भी ब्लड सैंपल की जाँचें हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं। 3 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया है। उन डॉक्टरों द्वारा तमाम जो जांच की प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये पता लगा है कि उनके पैर में चोट आई है, उसके अलावा कमर में भी कुछ चोटें आई हैं। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और अभी फिलहाल तमाम जो जाँच की प्रक्रियाएँ हैं उनको पूरा किया जा रहा है। साथ साथ ही क्योंकि उनके परिवार के लोग रुड़की में रहते हैं, उनकी माँ रुड़की रहती हैं, वो यहाँ देहरादून पहुँच चुकी हैं, मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही तमाम जो लोग हैं उनके प्रशंसक हैं वो उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ पंत के पूरे इलाज के खर्चे की उठाने की सरकार को बात कही है कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ साथ ही अगर पूरी देखा जाए तो अभी उनकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर जो मैक्स हॉस्पिटल के हैं उनका यह कहना है कि अभी ऋषभ पंत की स्थिति सामान्य है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, बात करने की स्थिति में है। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल उनका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ किया जाएगा और ट्रीटमेंट के बाद जो बुलेटिन है वो मैक्स हॉस्पिटल द्वारा BCCI को भेजा जाएगा। उसके बाद BCCI उसमें आगे की कार्रवाई करेगी, या यूँ कहें कि वो आगे बुलेटिन जारी करेंगी। उसके बाद उनको यहाँ रखा जाना है या यहां से शिफ्ट किया जाना है, उसके बाद अंतिम फैसला उसके माध्यम से ही किया जाना है। देहरादून से प्रतियोगी मनोज रावत के साथ पंकज राणा, ABP। वही क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आग लगने से पहले ऋषभ पंत को कार से बाहर निकाल लिया गया। देखिए, जो वीडियो है वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार में आग लगी है, कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना ज्यादा भयानक था, जैसे ही डिवाइडर से कार टकराती है आग का गोला बन जाती है। गनीमत ये रही कि ऋषभ पंत को तब तक गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया। सुबह 5:21 पर यह हादसा हुआ है, जो फुटेज सामने आया है। बहरहाल स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गंभीर चोट आई है। रिकवर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। BCCI ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दिया है। मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत अभी भर्ती है। ये उस दौरान की तस्वीर है जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ और ऋषभ पंत की ये गाड़ी जो इस वक्त आग का गोला बनी, उसी दौरान की ये तस्वीर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब ये देखिए CCTV फुटेज हम उस दौरान का आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समय भी यहाँ पर दिखा हुआ नजर आएगा, किस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी आती है और वहां पर डिवाइडर से टकरा जाती है। जैसे ही गाड़ी की टक्कर डिवाइडर से होती है, अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है। सुबह 5:21 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब यह हादसा हुआ, कार आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि वहां आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने ऋषभ पंत को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद इलाज के लिए रुड़की अस्पताल में भेजा। वही हादसे में घायल हुए ऋषभ पंत को लेकर उत्तराखंड सरकार चिंतित है। खुद CM पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत की हालत पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से भी फोन पर बातचीत की, साथ ही साथ परिवार को मदद का भरोसा भी दिलाया।
बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। तो लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। तो लोगों से बात कर ली है। वही हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत काफी सीरियस है, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? आज ही ये समाचार सवेरे मिला कि उनको एक एक्सीडेंट हो गया है, अभी उनकी हालत ठीक है और उनको रुड़की से अब देहरादून मैक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और सभी जो भी ज़रूरी इंतजाम हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। वही क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको बताते हैं। जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं, मैं जल्द ही स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इस हादसे के बाद लगातार ये दुआ की जा रही है कि ऋषभ पंत जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाए और इसी बीच प्रधानमंत्री का भी ये ट्वीट सामने आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।